दिल्ली में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि झमाझम बारिश के कारण दिल्ली दरिया बन गई है। चलिए आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अक्सर हम इस बुलेटिन की शुरुआत ही 6 बड़ी तस्वीरों से करते हैं और आज दिल्ली में अगर सबसे बड़ी कोई खबर है तो वो है बारिश की खबर। आप देखिए, ग्रेटर कैलाश में जलभराव, ITO में जलभराव, तिलक चौक पर जलभराव, टैगोर रोड पर जलभराव, रफी मार्ग पर भी जलजमाव और बुराड़ी इलाके में भी पानी भर गया है। तस्वीरें हर तरफ से एक जैसी। भारी बारिश के बीच जलभराव होने से लोगों की परेशानियां दोगुनी। लेकिन सवाल ये कि आखिर जलभराव की समस्या से निजात कब मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। हालांकि दिल्ली सरकार के मंत्री से लेकर मेयर तक और विधायक से लेकर पार्षद तक जलभराव का जायजा ले रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। लोगों को ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही जलभराव की समस्या से निजात मिलेगी। तो आप देखिए ग्रेटर कैलाश की तस्वीर, फिर आप देखिए ITO की तस्वीर। ITO में बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। इस वक्त की अपडेट की अगर हम बात करें, तिलक चौक पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आप टैगोर रोड की तस्वीर देखिए, जहाँ पर छोटे बच्चे कुछ मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आम लोग परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप VIP इलाके रफ़ी मार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी जलजमाव है। और बुराड़ी में तो आप देखिए कि बुराड़ी पुलिस स्टेशन के भीतर भी पानी भर चुका है, बुराड़ी की सड़कों पर भी पानी भर चुका है। इस तरह के हालात बुराड़ी में हैं।